गंगा गंगा सुमरो भाई अरे वो सामरिया गा गंगा सुमरो भाई अरे वो सामरिया गंगा गंगा सुमरो भाई अरे वो सामरिया गंगा गंगा सुमरो भाई अरे वो सामरिया गंगा गंगा सुमरो भाई अरे वो सामरिया शिव शंकर का धार गंगा गंगा सुमरो भार अरे वो सामरिया गंगा गंगा सुमरो भार अरे वो सामरिया कर लो गंगा में स्नान धर लो शिव शंकर का धार तोरी गति बन जाई अरे वो सामरिया गंगा गंगा भाई अरे वो सामरिया गंगा गंगा सुमरो की जय गंगा। अरे आइए 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 चतुर्वेदी जी। अरे और पांडे जी आनंद बाटे आनंद बाटे लड़का बच्चों सब ठीक ठाक की सब आनंद से है। हम तो सुन रहे हैं कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। नहीं और त्रिवेदी जी कहा दुबे जी ये बताओ मेहरारू एरारू सब ठीक ठाक है? सब चंगा है चंगा है। हाँ, हमारे साथ तो गंगा है। बात ठीक है तो भैया तो कुछ गंगा मैया की हो कि भंगा की हो भैया गंगा जी का महत्व हाँ। बहुत ही बड़ा है उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर भी कुछ बहुत तो लेकिन फिर भी कुछ बहुत तो होना चाहिए हाँ। क्योंकि गंगा जी जगतारिणी गंगा जी संसार को तारने वाली है। गंगा जी जगतारिणी नाम पड़ा संसार और लाखों पापी तर गए जिसका नहीं संभार जिसका नहीं संभार बंद कर दिया नरक का द्वारा। जिंदा तारे और मुर्दा तारे चले न यम का चारा। कहे गिरधर कबराय सदा मन चोला चंगा और उठते बैठत चलत फिरत मुख से बोलो श्री गंगा श्री गंगा। भैया जय हो मात गंगे की। कहा भी गया है गंग भंग दुई बहन है और गंग भंग दुई बहन है और रहत सदासु संग और जिंदा तारण भंग है और तो मुर्दा तारण गंग कहो त्रिवेदी जी। हाँ तुम्हें जी कुछ कहियो सुनियो हाँ। जैसे गंगा गंग भंग दो ही बहन है ये तो हो ही गया। तो भंग भी बहुत अच्छी चीज है। काहे को भंग को ऐसी घोटिए कैसी भंग को ऐसी घोटिए जो भादों की कीच और घर के जाने मर गए हम नशे के बीच। फिर चलेगी गुरु जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत। यहाँ के लड़के हैं शैतान गुरु जी आगे घोटेंगे। यहाँ के लड़के हैं शैतान गुरु जी आगे घोटेंगे। कोई भंगिया पिला के लुभाए गयो रे कोई भंगिया पिला के लुभाए गयो रे कोई भंगिया कोई भंगिया भंगिया कोई भंगिया। तीसरे पारे वादन छाने इनका पहला था और दूसरा हमारा तो तीसरे पहरे नहीं अभी दूसरे बाकी है ना। अच्छा, पहला हो गया दूसरे का है इनका पहला हो गया हाँ। और दूसरे काम है कि दूसरे पारे वादन छाने जो तरकस का तीर और फरी सभा में यो लड़का रहे जो हनुमंता फिर सवेरे फिर चलेगी गुरु जी भांग के लच्छे अजी तुम बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
तीसरे पहरे की बात आ गई ना, तीसरे की आ गई तीसरे पहरे जो कोई छाने वाकी लंबी ढीठ अवड़त चरैया वो पहचाने आगे छानेंगे। यहाँ पे लड़के हैं सता गुरु जी आगे छानेंगे भैया कहा गए चौथे पहरे वाजन छाने जाके लंबे कान जिनके समाने समुद्र समान कथा तुम्हार सुभग सरनाना। तो चौथे पहरे वाजन छाने जिनके जाके लंबे कान और तबा कथों का बेच कर लेटा धन लौटे का जान चले रे पेट चलेंगे गुरु जी भंग रचे गुरु जी बहुत अच्छे यहाँ के लड़के हैं सरदार गुरु जी आगे छानेंगे यहाँ के लड़के हैं सरदार गुरु जी आगे छानेंगे कोई भंगिया पेला के लुभाए गयो रे कोई भंगिया पेला के लुभाए गयो रे कोई बूटी फुला के लुभाए गयो रे कोई भंगिया भंगिया कोई भैया पिलाए गयो ऐसा है भैया ये तो बातें हो गई अब कुछ हो जाए जो हो जाए नहीं तो एक बात है उसमें मसाला भी तो चाहिए बिल्कुल मसाला बिना मसाला के भांग में देखिए हमारे पास है छोटा हाँ तुम्हारे पास है लोटा और तुम्हारे पास हमारे पास है केवल लंगोटा तो लंगोटा से क्या संबंध हुआ कुछ नहीं हम कस के आए हैं लंगोटा भैया हम इसको अब ये लोटा में अगर भंगिया अकेले पड़ेगी तो आनंद नहीं आएगा ना? इसमें क्या क्या चाहिए इसमें लाइची चाहिए बादाम चाहिए बादाम चीनी चाहिए ऐसा क्यों चाहिए उसका कारण है जैसे कासनी में भाई कासनी भी चाहिए कासनी में केसो बसे ये जो मसाला उसमें लगते हैं तो सब चाहिए इसमें भांग में क्योंकि कासनी में केसो बसे और सौंफ में श्री सीताराम और काली मिर्च तुमने कहा तो मिर्च में बसे महादेव त्रिपुरारी है और केसर भी चाहिए तो केसर में केसी असुर संहारक श्री कृष्ण और पुस्ता में पुरुषोत्तम सो बादाम में बिहारी है चारों मगज भी चाहिए चारों मगज में निवासित है चारों धाम और दूध व दही में बसी गंगधार प्यारी है तो तन को चैतन्य करे मन को जगावे सदा और पाप ताप नाशक यह विजया हमारी है इसमें भैया खर्च भी कोई ज्यादा थोड़ा पड़ता है ना भैया केवल थोड़ी खर्चे में काम थोड़ी थोड़ी तो हमने तो कामरे पास छोटा है हाँ। और ना मानो तो चलो हम बादाम अपने अधिकार से डाले दे रहे ये बात तुम्हारे पास क्या है कुछ नहीं हम लंगोटा हम जो है ऐसा करो हाँ। हमारे पास काली मिर्च है हाँ तो डाल दे डालो डाल दे हाँ। रुक जाओ निकाल ले लेते निकालो ले ये डाल दिया ये बात अब हम इसमें धेले की बूटी डाले दे रहे हैं बिल्कुल आहा कारण एक ही है ना हम ज्यादा ना डालेंगे उतने में काम हो जाना है नहीं तो फिर यहाँ पर अपने घाट में अगर कोई आ गया यजमान है कि नहीं तो उनको भी देखना उनको है देना पड़ेगा क्योंकि ये तो तुमने कहा था ना तो इसमें धेले की बूटी मिर्च दमे री की ले लई सुबह चले में डाली शाम को सिले पर धर लई फिर क्या किया लिया लोटा पानी रगड़ कर छानी सहज में पिएगा जो कोई हर 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 जपेगा हर लहे में तो भैया अब हो जाए घुटन घुटंतम घुटंतम घुट गई ऐसे नहीं घोटे 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 घोटे
गोटे घुटन तम घुटे गई। जब भैया घुट गई तो फिर क्या होना चाहिए? बोले छाने छाने छनन तम छाने गई। पिबन तम पिबन तम पिबे पिबन तम पिबे गई। तो पीने के बाद क्या होता? अब पीने के बाद होगा क्या? फिर वो होगा कि छनन चारे तम चारे चढ़न तम चढ़ गई। ये हो गई, हो गई। अब देखो ऐसा है, भगवान शंकर का भोग तो प्रतिदिन लगता है। हाँ, लगाना भी चाहिए, लगाना चाहिए। तो तुम लगाओगे कि ये कि हम लगा दें? तुम ही लगाओ, तुम ही लगा दो। ऐसा है, हाँ, बीच में टोकना नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं टोक लगाने जा रहे हैं। हाँ, लगाओ, ठीक है ना? हाँ, लगाओ। बीच में ना बोल देना, बिल्कुल नहीं बोलेगी जब तक भोग ना लग जाए। दुबे जी चतुर्वेदी जी से होशियार रहना। हमने कहा बीच में नहीं, हम भोग लगा रहे हैं भगवान शंकर को। लगाओ। ए, ए, ये भोग, ये भोग लगा रहे हो कि पेट भर रहे हो? ये इच्छा अकेले अकेले नहीं। देखिए भगवान शंकर पर्दे से आएंगे, खुलाएंगे, सब लोग जान जाएंगे भैया। नहीं देखिए भगवान, नहीं, भगवान को बिल्कुल सामने बुलाओ। अरे नहीं यार, तुम ऐसा चले क्या? नहीं, नहीं देखिए परिश्रम सबने किया है। नहीं तो हम कौन पीने जा रहे हैं? सब लोग मिल करके, रुक जाओ मिल करके, राय के से माठा न उतराओ, कुछ समझो मानो जानो। देखो प्रतिदिन भोग लगाते हैं, है भगवान शंकर आएंगे तो फिर प्रसाद मिलेगा। हम लगा रहे हैं। हाँ, लगाओ। हम नहीं पी रहे, भगवान शंकर को बुला रहे हैं। हाँ, बुलाओ। ठीक है ना? बम बम बम। ए भैया छुड़ा लो, बम लगा दिया भोग, छीन लो बम। अरे क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ जरा, देखे तो ये शंकर जी पी गए। क्या हो गया भैया? शंकर जी, अरे वो आए थे शंकर भगवान के, ये दोनों पपट्टी है। अच्छा। इनको न देना थैली, तुम पी लो अकेली। तुम अकेले पी गए? पी गए। भगवान शंकर हृदय में समाये थे, बोले पी जाओ। हम पी गए, पी गए। अब बस हो गई, अब तो क्या है, अब ऐसे अपने अपने घाट में हटो। अब एक काम करो, अब तुम नशे में हो गए हो, अब तुम अपने मुर्दा घाट में जाओ। ऐसा है, भांग की हो गई। हाँ, अब निकल लो। नहीं निकलना ले, तुम्हारी भाई की हो गई। तो ऐसा करो दुबे जी, एक एक करो, क्यों नहीं इकट्ठा? हमें भांग नहीं मिली है। तो क्या हुआ? आई बात समझ में? भगवान शंकर कह रहे थे ये दोनों पपट्टी हैं, इनको न देना थैली, तुम पी जाओ अकेली। हम अकेले पी गए हैं, ऐसा अपने घाट में जाओ। हमारे घाट में भगवान आए हैं। हम अपने ही घाट में हैं। तुम तो चले आए हो हमारे घाट। हमारे घाट में आ गए हो? नहीं, हमारे घाट में जजमान आए हैं। देखो ये आ रहे हैं। अच्छा बुलाओ, तुम्हारे घाट में आए होंगे तो तुम्हारे घाट में। हमारे घाट, ये घाट हमारा है। अरे ये घाट हमारा है यार, मान जाओ। बात मान जाओ, मान जाओ। अरे मान जाओ, मान गए। देखो ऐसा है, हमारे घाट में आए हैं जजमान। सुना तो तुम्हें, क्योंकि चतुर्वेदी जी, ना घाट तुम्हारा है और ना घाट तुम्हारा है। किसका है? ये घाट तो केवल हमारा है। तो फिर बुलाओ, तुम ही बुलाओ, अपने घाट में बुलाओ। अरे आओ हमारे घाट लाल, आओ हमारे घाट लाल, आओ हमारे घाट लाल, आओ हमारे घाट लाल। हमारे घाट में कक्का सफेदी, सपाट लाल, आओ हमारे घाट लाल, आओ हमारे घाट लाल। असली पन्ना हम ही घाट के, भगवान असली पन्ना हम ही घाट के, ये है गिटरुआ फाट लाल, आओ हमारे घाट लाल। ऐसा
कुछ नहीं है। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं, ये त्रिवेणी में आटा ब्याचे और ये है पक्के गिरा काट लालन आओ हमारे घाट। हाँ यही है त्रिवेणी में, सब जो है तुम आटा दाल बेचते। अरे ये है हमारे लड़का बच्चा, ये है हमारे लड़का बच्चा, इनके हम है बाप लाल, आओ हमारे घाट। क्या त्रिवेणी जी, अरे ये तो हमारे नाती लागे, ये तो हमरे नाती लागे, इनके बाप के बाप लालन, आओ हमारे घाट लालन, आओ हमारे घाट लालन। अरे भैया, अरे रोको रोको भैया, चतर बेटी, अरे अरे आप सभी लोग लड़ाई क्यों रहे हैं? रुकिए रुकिए, हम समझ रहे हैं ऐसा ही होता है। आहा, भांग भी पी गया और आकर के जबरन अब हमारे अधिकार में अपना अधिकार बता रहा है। अच्छा ऐसा करिए, अरे रुक जा पप्पा कहो फूफा वाले, आप सभी लोग ऐसा करिए कि आप सभी लोगों में से जो भी असली पंडा होगा, जो हमारे वंश की वंशावली बताएगा, हम उसी को असली पंडा समझेंगे। आप बताओ, नहीं आप बताओ, जैसे हाथी बताओ, सुनो हाथी जानवर हो, हमने पहले कहा था कि तुम मुर्दा घाट के हो, रचे कबार घूम रहे हो, मुर्दा घाट वाला ये है निम्नी निम्नी वाला, तो फिर बताओ अगर असली वाले हो, बताओ बेटा नकली वाले हो, बता दे अब कह नहीं बता रहे हो, हम तो बताएंगे ही बताएंगे, बताओगे अगर तुम बता भी दोगे तो निश्चित है कि तुम्हारी बही चुरा लाए हो। अगर तुमने बता भी दिया तो निश्चित है तुम्हारी पुस्तक चुरा के लाए हो। देखो समझ गए, बता भी दिया ढोल के भीतर पोल। अरे जाओ मुर्दा घाट के पंडा, अरे जाओ क्यों नहीं बता रहे हो, बताओ ना। अरे बता रहे भैया, बता तो दो इनके वंशावली, बता दो इनके। हाँ इनकी वंशावली हम बता देंगे। पहले हुए, अब तुम चले जाओ जाकर के अपनी बही खाता देखो, चले जाओ। हाँ जाओ जाकर के देखो, पहले वहाँ जाओ, यहाँ संभाल चतुर्वेदी, हट जाओ एक तरफ डेढ़ फुटी। अब तुम बताओ, चलो इधर से, समझ ले काहे के लिए फुगली छुटवाना चाहते हो। कई घाट के दोनों बिल्कुल सुबह देखने को नहीं मिलोगे। सुनो आठ गांठ नौ लाठी, आहा एक मक्की की करी हो, एक भी इसमें गांठ नहीं है, तुमको दिखाई भी कर देता बता दो। हमने कहा था कि तुम मुर्दा घाट के चले जाओ सीधे, रहे गांठ है इसमें एक भी, हाँ आ जाएंगे चल। अब भैया हाँ तो बता दो इनको वंशावली, इनकी वंशावली। हाँ इनकी वंशावली भैया, पहले हुए एक रंग, सुनते जाना यजमान जी सरकार, पहले हुए एक रथ, फिर हुए दो रथ, तीन रथ, चार रथ, पांच रथ, छह रथ, सात रथ, आठ रथ, नौ रथ, फिर इसके बाद में दस रथ। और ये दशरथ के पुत्र है, और दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। क्यों सरकार यही है वंशावली? नहीं ये तो नहीं है। अच्छा ये दशरथ जी के लड़के नहीं हो? दशरथ जी के तो पुत्र हैं, और लेकिन दशरथ जी के जो ऊपर आपने बताए, अच्छा वो तो एक भी हमने सुने नहीं, वो भी वो नहीं सुने नहीं। तो फिर चतुर्वेदी जी तुम बता दो कोई अगर ऐसा है। हाँ ये सूर वंश की वंशावली, सूर वंश की, हाँ सूर वंश की वंशावली, रघुवंशियों की वंशावली, अगर कोई बतलाने पर आ जाए तो समुद्र की स्याही बनाई जाए और हाँ पृथ्वी की लेखनी कागज बनाया जाए तो भी नहीं इनका वर्णन किया जा सकता है। लेकिन हमारे घाट में रघुपत रघुवादिक जेते भय बैपत भूप सुजान, ते नहाई यही घाट में हमका तीनों दान। जितने भी यहाँ पर रघुवंशी हुए हैं सभी इस घाट में आकर के, क्योंकि मैं पंडा यही घाट को सदा जुहारो बाट और गंगा पूजन करत हो,
जो आवे ये घाट। तो हे मेरे सरकार, आप आए और आप यथाशक्ति जो भी आप पूजन करना चाहें तो गंगा पूजन करें, और हमें जो भी दक्षिणा देना चाहें अब दक्षिणा भी समर्पित करें। पत्रम पुष्पम, एक कारण और भी है ना कि ये जो ये प्रसंग चल रहे हैं, हाँ तो नहीं हुआ नहीं, क्योंकि ये जो लीला है ये भावपूर्ण लीला है भाव पक्ष की, और हमने ये देखा है कि कुरारा नगर में केवल एक यहाँ पर और एक अनन्य पुण्य फल दमता शांति प्रच्छ में है दक्षिणा प्रेम से यथाशक्ति समर्पिता है। तब प्रभुषण समेत नहाए शांति प्रच्छ में है दक्षिणा प्रेम से अथा शक्ति समर्पिता। हा जय हो प्रभु। अब आप आगे की ओर कहां प्रस्थान करना चाहते हैं, हम आपको उचित मार्ग बतलाएंगे। हे मुनिराज, आप हमें बतलाएं आप कहां जाना चाहते हैं। हम जनकपुर की ओर जाना चाहते हैं। अवश्य क्यों नहीं, देखिए इस घाट में यहाँ पर कोई नाविक तो है नहीं कि नौका को लेकर के आ जाए, लेकिन यहाँ से सीधे जाने के बाद वो जो घाट दिखाई दे रहा है वहाँ पर जल कम है, और वहाँ से किनारे से होते हुए आप गंगा पार हो करके सीधे मैथिल प्रवेश कर जाएंगे, मैथिल प्रदेश की ओर आप प्रस्थान करें। जय हो, जय।